हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नानी के गार्डन में स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने कुछ प्लांट लिए हैं अपने गार्डन में लगाने के लिए। तो दोस्तों, जो प्लांट मैंने लिए हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक ये चांदनी का और दो गुलाब के प्लांट लिए हैं। तो दोस्तों, और इनको मैं साथ के साथ गमलों में भी लगा देती हूँ। तो दोस्तों, ये मिट्टी मैंने तैयार कर रखी है और इसमें मैंने खाद भी मिला रखी है। तो सबसे पहले मैं इस गमले में अपना चांदनी का पौधा लगाती हूँ। तो दोस्तों, मुझे चांदनी का पौधा बहुत ही अच्छा लगा था और इसके अंदर जो फूल आए हैं वो भी बहुत सुंदर हैं और इसमें सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना चांदनी वाला पौधा इस गमले में लगाती हूँ। देखिए दोस्तों, इसकी रूट्स भी पन्नी से बाहर आ रखी हैं और अब मैं ये पौधा इस गमले के अंदर लगा दूँगी। इस तरह से अच्छी तरह से देखने में चांदनी का पौधा बहुत ही सुंदर लगता है और इसमें सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और अब मैं इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट भी थोड़ी सी डाल दूंगी। तो दोस्तों, मेरा पहला पौधा लग के गमले में तैयार हो गया है और अब दूसरा पौधा मेरा जो है गुलाब का है। तो मैंने दो पौधे गुलाब के लिए हैं। अब दूसरे वाले गमले में मैं गुलाब का पौधा लगाऊंगी और गुलाब का पौधा मैंने पिंक कलर के फ्लावर वाला लिया है। उसके अंदर पिंक कलर के फूल आएंगे, जो इसमें एक फूल तो इसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों, मैंने अपना दूसरा वाला पौधा गुलाब का इस वाले गमले में लगा दिया है और इसके अंदर भी मैंने थोड़ी सी खाद मिक्स कर दी है। और जो मेरा तीसरा पौधा है वो भी गुलाब का ही है। तो मैंने दो पौधे गुलाब के और एक पौधा मैंने चांदनी का लिया है। तो ये मेरा दो पौधे तो मेरे लग गए हैं और ये मेरा तीसरा पौधा है जो है गुलाब का ही, और इसमें भी पिंक कलर के ही फूल आएंगे। अभी इसमें कोई फूल नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये मैंने अपने तीनों प्लांट गमलों के अंदर लगा दिए हैं और इसमें थोड़ी थोड़ी खाद मैंने डाल दी है और थोड़ा सा पानी मैंने इनके अंदर डाल दिया है। तो मेरे तीनों पौधे गमलों में लग के तैयार हो गए हैं। ये वाला पौधा मेरा चांदनी का है, इसमें फ्लावर भी आ रखे हैं, और ये वाला मेरा गुलाब का है, इसके अंदर भी फूल आया हुआ है, और तीसरे वाले में अभी फूल नहीं आया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।